நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தந்திருக்கிற வசனம் மிக மிக முக்கியமானது. ஜீவன் மே परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो बहुत ही आदरपूर्वक और महत्वपूर्ण है. उन वचनों को परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के रूप में लिखकर हमारे हाथ में दिया है. उसके बारे में मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ. अभी तक आप किस प्रकार उस पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल कर रहे थे जो भी है, बट आने वाले साल में आप एक नए निर्णय के साथ उस पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करें. आप परमेश्वर के वचन को हमेशा अधिक इस्तेमाल करना जब आरंभ करेंगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति और जय को प्राप्त करेंगे. आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, हर एक क्षेत्र में आप जय को प्राप्त करेंगे. इस परमेश्वर वचन के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ. जो बातों को मैं बता रहा हूँ, कृपया नम्र निवेदन है कि आप उसको लिख लें, उसको नोट कर लें. नंबर वन, वर्ड ऑफ गॉड, देवनुडैय वार्तै. पहला, जो प्रभु ने हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र दिया है वो प्रभु का वचन है. परमेश्वर का शब्द है, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु परमेश्वर का शब्द है. सो मत्तयु 24:35 பார்க்கும்போது आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी. सो देवन पेशीना वार्ते, ये परमेश्वर ने बात किए हुए शब्द हैं, अपने वायु पुरपड़ा वार्ते के मुंह से निकले हुए शब्द हैं. ये हमारे हाथ में दिए गए पवित्र शास्त्र में बहुत लिखा गया है. ये शब्द हमारे लिए जीवन है. ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तभी हम बहुत आशीष पाते हैं. अगर हम शब्दों की आज्ञा मानते हैं वो उससे भी अधिक आशीष को देता है. पहला मैंने कहा परमेश्वर के शब्द, दूसरा प्रभु का वचन. बहुत सारे वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखे हुए हैं. लूका 8:21 यीशु ने कहा, தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதின்படி செய்கிறவர்களே எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரருமாய் இருக்கிறார்கள். यीशु ने कहा, जो वचन, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं वे ही मेरे माता और मेरे भाई हैं. सो देवनुडैय வார்த்தைக்கும் வசனத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? अब परमेश्वर के शब्द और वचन में क्या अंतर है? शब्द मतलब जो प्रभु ने अपने मुंह से कहा है. वचन मतलब जो हमारे लिए लिखा गया है.
வசனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு அழகாக எழுதி தந்திருக்கிறார் वचनों को परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए लिखा हुआ है। अगर हम इस वचन को सुनकर उसको मानते हैं तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और हम मसीही कहलाएंगे। तीसरा पवित्र शास्त्र पूरी संपूर्ण बाइबल। तीसरा हमारे हाथ में जो बाइबल है संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसके बारे में बाइबल के अंदर ही बहुत कुछ लिखा है। मत्ती समाचार उसका 26वां अध्याय उसका 54 परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसे ही होना अवश्य है कैसी पूरी होंगी। सो यीशु वेद वाक्यम अपनी சொல்றார் வேதத்தை பற்றி சொல்றார் यीशु मसीह वचन के बारे में कहते हैं தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி சொல்றதனால வேதம் த பைபிள் पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है लूका 16:17 लूका 16:17 में भी लिखा हुआ है वेदத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கிலும் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போவது எளிதாயிருக்கும் यहाँ लिखा है कि आकाश पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। यहाँ भी प्रभु वचन में जो लिखा गया है वो लिख कहते हैं। सो इन उनके हिंदी बाइबल में எல்லாம் வசனம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுடைய டிஃபரன்ஸஸையும் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் हिंदी बाइबल में थोड़ा अलग लिखा है लेकिन उसके डिफरेंस को अलग को अलगताई को हमें समझना है। सो वर्ड ऑफ गॉड देव के वार्ते पहला प्रभु के शब्द रेडाउड वर्स ऑफ गॉड எழுதப்பட்ட வேத வசனங்கள் दूसरा लिखा गया परमेश्वर का वचन மூன்றாவதாக எழுதி தரப்பட்ட அந்த வேத புத்தகம் தர்மசாஸ்திரம் तीसरा धर्म शास्त्र जिसके अंदर पूरे वचन लिखे गए हैं। सो द बाइबल ले 66 पुस्तकங்களை தேவன் நமக்கு வேத வாக்கியங்களாக அங்கீகரித்து தந்திருக்கிறார் पवित्र शास्त्र के अंदर 66 किताबें परमेश्वर के द्वारा अंगीकार किए गए वचनों को लिखा गया है। பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று ரெண்டு பகுதிகளை கொண்டதாக இருக்கின்றது उसमें नए नियम और पुराने नियम करके दो हिस्से में उसको दो भाग में दिया गया है। इसलिए पूरे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में लिखा गया हर एक वचन पवित्र परमेश्वर के द्वारा बोला गया अंगीकार किए गए वो शब्द हैं। देवन பேசினவைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்று சொன்னேன் परमेश्वर ने जो बोला वो परमेश्वर के शब्द हैं करके मैंने कहा। लेकिन वचन कहते समय परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा गया हुआ हर एक वचन शब्द जो है वचन है। எல்லாமே சேர்த்துதான் நமக்கு தேவை என்று வேத வசனமாய் தந்திருக்கிறார் சம்பூர்ண பவித்திர சாஸ்திரமே மனுஷோ நே பாத் கியே ஹுயே சப்த் பீ ஹே பரமேஸ்வர் நே பாத் கியே ஹுயே சப்த் பீ ஹே சைத்தான் நே பாத் கியே ஹுயே சப்த் பீ ஹே யே சாரா ஹமே ஜரூரத் ஹே சமஜ்கர் பரமேஸ்வர் நே இஸ்கோ சம்பூர்ண பைபிள் மே லிக்கர் ஹமே தியா ஹே சோ வேர்ட் ஆஃப் காட் வர்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் தி பைபிள் மூன்றே குறித்து பார்த்தோம் इसलिए परमेश्वर के शब्द परमेश्वर के वचन और संपूर्ण पवित्र शास्त्र के बारे में हमने पढ़ा। चौथा जो है वो सत्य के बारे में
देखेंगे अबो इनो ओनली पूरी तो बोलना सत्यम एंड ओनली रखना दे हमें एक और चीज को समझना है सत्य करके एक चीज है योहान 16:13 जॉन 16:13 சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் யோவான் ரச சமாச்சார் 16 அத்தியாய उसका 13वां वचन परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा जॉन 18:37 ले यीशु சொன்னார் यूहन्ना रचित समाचार उसका 8वां अध्याय उसका 37वां वचन में यीशु ने कहा सत्यத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் यहां पे लिखा है सत्य के बारे में गवाही देने के लिए मैंने जन्म लिया है सो இங்கே பார்க்கலாம் சத்தியம் என்று இருக்கிறது यहां पे सत्य करके हम एक चीज को देखते हैं அதாவது தேவன் நமக்கு மனுஷருக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிற உண்மையான விஷயங்கள் परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा हुआ एक सत्य बातें वो ही परमेश्वर के शब्द में प्रभु के वचन में प्रकट किया गया है தேவன் உண்மையான காரியத்தை சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने सत्य और सच्चाई की बातों को प्रकट किया है அறிவியல் விஞ்ஞானம் இதெல்லாம் நிறைய காரியங்களை இதுதான் உண்மை உண்மை என்று நமக்கு சொல்லுகிறார் ஆ दुनिया में साइंस या विज्ञान जो है बहुत सारी बातों को दिखाकर यही सच्चाई है यही फैक्ट है करके कई बार साबित करना या हमें बताने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ सालों के बाद वो ये कहते हैं कि वो गलत था ये सही है कर कर वो पलट देते हैं வேதத்தில் ஒரு வசனமோ ஒரு வார்த்தையோ மாற்றப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் அது முழுமை சத்தியம் लेकिन परमेश्वर ने जो वचन हमारे हाथ में दिया है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पूर्ण रीति से सत्य है एक उदाहरण मैं कहता हूँ सूर्य இந்த பிளானட்ஸ் வந்து சூரியனை சுற்றி ரிவால்வ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனா சூரியன் வந்து அது ஓடாது அது ரொட்டேட் பண்ணிக்கொண்டு தான் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் जब पास्टर जी बता रहे हैं कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब इस प्रकार सिखाया जाता था कि सूर्य जो है वो सिर्फ घूमता है वो चलता नहीं है और उसके चारों तरफ 9 प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது சூரியன் தன் மணவறையிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற மணவாளரை போல தன் பாதையில் சுற்றி ஓடுகிறது என்று பைபிளில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பிரபு கே வசன் மே கேதா ஹே கி சூரிய துல்ஹே கே சமான் வோ சல்கர் துல்ஹே கே சமான் சல்கர் ஆதா ஹே கர்கே வசன் மே லிகா ஹே அப்போ பைபிள் சொல்லுகிறது சூரியன் ஓடுகிறது ரிவால்வ் பண்ணுகிறது என்று சொல்லுகிறார் तो बाइबल कहता है कि सूरज जो है वो आगे पीछे चलता है और घूमता है लेकिन साइंस क्या कहता है सूरज केवल घूमता है वो चलता नहीं है लेकिन अभी विज्ञान वैज्ञानिक लोगों ने एक नई चीज खोज की है सूर्यनम ओडी कोंडिरुकिरदु रिवॉल्व पण्णुकिरदु என்று புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க
अभी नया वैज्ञानिक लोगों ने खोज किया है कि सूरज भी चलता है करके। टोटल सोलर फैमिली सूर्य कुटुंबम सूर्यन और वो कहते हैं कि जो सोलर फैमिली जिसमें नौ प्लैनेट भी आते हैं वो पूरे परिवार के साथ यानी कि पूरा टर्म में घूम रहा है करके वो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। ये पहला उदाहरण है कि साइंसदान लोगों ने जो पहले एक बात कही थी उसको पलट कर बदल कर अभी वो कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने जो आज जिस बात की खोज की है कई हजार साल पहले परमेश्वर के वचन में पवित्र शास्त्र में वो पहले से लिख दिया गया है। इसलिए जवान बच्चों आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। मैंने एक उदाहरण के रूप में कहा कि मनुष्य बदल बदल कर बातों को बोलता है लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो जो कहता है वो सत्य है। इसलिए विज्ञान के ऊपर साइंस के ऊपर विश्वास करने से बढ़कर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करने वाले बने। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी ब्रह्मांड को सृष्टि को बनाया वो जो कहेंगे वो सत्य होगा। परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया उसकी खोज कर कर मनुष्य एक एक चीज को समझ कर आज बता रहा है। इसलिए मनुष्य एक एक चीज को जो खोजता है समझता है उतना वो बताता है। अगली बार जब नया खोज करता है फिर कुछ नई बातों को बोलता है। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के बारे में स्वर्ग के बारे में हमारे मृत्यु के बाद के बात के बारे में जो कुछ वो कह रहा है वो सत्य है। नरे मगाम नरे योगी नरे अंदमादरी मार्ग தலைவர்கள் வந்து बहुत सारे धार्मिक गुरुओं ने बहुत सारे जो बड़े बड़े योगी लोग हैं उन्होंने मौत के बाद ये होगा वो होगा करके बहुत सारी बातों को अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है। वो सब सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ही है जो अनंत अनंत काल तक स्थिर रहेगा। वो ही आदि से लेकर अंत तक रहने वाला स्थिर परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह वो आज कल युगानि युग एक सा है। इसलिए उस परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दिया है वो अनंत जीवन के बारे में हमें एक सही बात को बताते हैं। इसलिए आप इस सत्य को पढ़ना है, इसको समझना है। मैंने चार बातों को कहा। पहला परमेश्वर के शब्द, दूसरा परमेश्वर का वचन, तीसरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र, चौथा सत्य। पांचवा जो है उपदेश और शिक्षाएं।
So, Ipo in the Upadesam, Allah the doctrines Eger the Vargal and Dal. ये उपदेश और शिक्षाएं कहां से आती हैं? இந்த முழு பைபிளில் இருக்கிற சத்தியத்தை பகுத்து பகுத்து பாடம் பாடமாக கற்றுக்கொண்டு பிறருக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறது. இதுதான் டாக்ட்ரின்ஸ் அண்ட் டீச்சிங்ஸ். और इस परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझकर उसको भाग भाग में बांटकर शिक्षा के रूप में सिखाया जाता है. இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியையும் மேன்மையையும் நமக்கு தரும். ये हमारे जीवन में एक उन्नति को, बढ़ोतरी को और आशीष को लेकर आता है. और इस परमेश्वर के वचन के अंदर जो अलग अलग हिस्सों में परमेश्वर के सत्य को रखा गया है उसको हम सीख कर दूसरों को बताना है. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है. और पूरे बाइबल से अलग अलग जगह से हम निकाल कर ढूंढ कर अलग कर कर हम उसको पढ़ सकते हैं. वही है परमेश्वर का उपदेश. जिन्होंने उसको पढ़ा है उन्होंने थियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट बनाकर उसको अलग किया है. उसके बाद यीशु मसीह के बारे में शिक्षा क्रिस्टोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है जिसमें यीशु मसीह के बारे में थियोलॉजी सिखाया जाता है. उसके बाद उद्धार का उपदेश के बारे में बताया जाता है. क्रूस का उपदेश है. स्वर्ग राज्य के बारे में उपदेश है. अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं का उपदेश है. इस प्रकार पूरे पवित्र शास्त्र में अलग अलग कई प्रकार की शिक्षाएं उपदेशों से भरा हुआ है. उसी के साथ हमारे रोजमर्रा के जीवन शैली के लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं और उपदेश प्रभु के वचन में लिखा हुआ है. एक जवान भाई एक जवान बहन को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी बातें वो सारी शिक्षाएं जो है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है. உனக்கு கல்யாணம் என்று ஒன்று வரும் என்றால் அந்த கல்யாணம் எப்படி இருக்கணும் குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அந்த பைபிள் சொல்லுகிறது. अगर आपकी एक शादी है वो शादी कैसे होनी चाहिए आगे पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए उन सब की शिक्षाएं भी प्रभु के इस वचन में हैं. और वेले बार के रिगला तोलिन से रिगला आगे எப்படி செய்யணும் எப்படி செய்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் பைபிள் அழகான பாடங்களை நமக்கு தருகிறது. एक काम एक नौकरी आप करते हैं उसको कैसे करने से आप आशीष और उन्नति पाएंगे उसके बारे में शिक्षा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है. प्रिय जवान भाई बहनों आपको जो वचन चाहिए उन वचनों को उन टॉपिक्स को आप प्रभु के वचन से ढूंढ ढूंढ कर अलग करके नोट करें उसके बाद उसको पढ़ें. आप वो वचन आपको बहुत ज्ञानी बनाएगा. और हमारे जीवन में जरूरत की सत्य की बातों को सिखाएगा. कोई मनुष्य
कोई गलत बातें हमें गलत रास्ते में अगुवाई नहीं करेगा। हमारे लिए एक ही जीवन है, अगर हम उसको सही से जिएंगे हम एक जयवंत जीवन जिएंगे। इसलिए उसके लिए हमारे लिए परमेश्वर का वचन या पवित्र शास्त्र ही एक सही गाइड बुक है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन शैली में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस एक दो बात को बताकर मैं समाप्त करूंगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अभी से आप आरंभ कीजिए और आने वाले नए साल में आप शुरू करें, आप आशीष पाएंगे। नंबर वन डेली बाइबल रीडिंग। हर दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। नए साल की शुरुआत में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़कर एक साल में आप पढ़कर खत्म समाप्त कर सकते हैं। जस्ट रीडिंग बाइबल वाचिंग, जस्ट परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और नाल மூன்று சாப்டர்ஸ் மூன்று அதிகாரங்கள் வாசித்து வந்தீர்கள் என்றால் ஒரு வருஷத்துல பைபிளை வாசித்து முடிக்கலாம். ஆப் ஜனவரி 1 தாரீக் से हर दिन केवल 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो दिसंबर तक आप पूरे बाइबल को पढ़कर समाप्त कर देंगे। सो கண்டிப்பாக இங்கே பங்கு பெற்ற அனைத்து பாலிவர்களும் அதை நீங்கள் செய்யபடி தீர்மானம் பண்ணுங்கள். जितने जवान बच्चे आज इस मीटिंग में जुड़े हैं उसके आप करने के लिए आप समर्पण करें और शुरुआत करें। आप पढ़ेंगे आप आशीष पाएंगे। हर दिन आप 3 अध्याय के रूप में पढ़ें। ஆங்கில பைபிள் வாசிக்கிறவர்கள் NKJV என்ற நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் பைபிளை வாங்கி வாசியுங்கள். இங்கிலீஷ் பைபிள் படிக்கிற வாலே நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் கோ லேக்கர் படே. ஏன்னா பல வெர்ஷன்ஸ்ல சில இம்பார்ட்டன்ட் வெர்ஷன்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணி இருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் அது ஒரு துருபதேசக்காரர்களுடைய கிரியை அதுல இருக்கிறதை அறிய முடிகிறது. और अलग अलग वर्जन में गलत शिक्षा वालों ने अलग प्रकार से कुछ वर्ड्स को आगे पीछे किया है, इसलिए आप न्यू किंग जेम्स वर्जन को पढ़ें। इसलिए बेसिक तौर से हम न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए प्रिय जवान भाई बहनों आप इसको एक समर्पण के रूप में आप ले लीजिए। दूसरा प्रभु के वचन को ध्यान करें। आप जो वचन को हर दिन पढ़ रहे हैं कोई एक शब्द कोई एक वचन आपके हृदय को छू जाएगा। उस वचन को आप बार बार पढ़ें। अंदर वचन यार सुनते उस वचन को किसने कहा, यार किस सुनते किसके लिए कहा, यंदे साल तिल सुनते कब कहा गया, अंदर वचन तिल येना की येना चुरी रखते उस वचन में मेरे लिए क्या कहा गया है, उपरी और नाल इत केड लिगलाई केड लगे। और इस प्रकार 4-5 सवालों को आप सोचें और अपने आप से पूछें। और उस सवालों का जवाब उस वचन के अंदर ढूंढें और ध्यान से पढ़ें।
इतना करते ही आपका ध्यान वचन की ओर चला जाएगा। बाइबल मेडिटेशन, उसी को ही वचन को मनन करना या ध्यान करना कहते हैं। आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जब ये करेंगे, आप जरूर वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला वचन संहिता में लिखा है, पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान करता है, वो वृक्ष के समान होगा जो बहती किनारे किनारे लगाया गया है, उसकी ऋतु में फलते, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो जो कुछ वो करे वो सफल होगा। यहाँ पे लिखा है, अगर आप एक वचन को पढ़कर उसमें ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। अगर आप हर दिन प्रभु के वचन को मनन करेंगे, आपका पढ़ाई, आपके एजुकेशन में आप आशीषित होंगे। आपका नौकरी, आपका काम, आपका भविष्य आशीषित होगा। इसलिए वचन को पर मनन करना एक बहुत बड़ी आशीष है। इसलिए आप हर दिन प्रभु के वचन पर ध्यान करें। जब परमेश्वर के दास जवानी में थे, मैंने अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने बहुत दुखों को सहा है। और उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत बार अकेला महसूस किया। और उन समय में मैंने यशायाह भविष्यवक्ता की किताबों को पढ़ा है। और हर दिन परमेश्वर एक वचन के द्वारा उस दिन की जरूरत के अनुसार मुझे भविष्यवक्ता के समान मुझसे बात करते थे। और हर दिन में एक वचन को जब मनन करता था, जीवन के हर दिन में जो समस्याओं को मुझे सामना करना होता था, तो उस वो वचन मेरे लिए बड़ा सहायक था। इसलिए आप भी वचन को पढ़ें और उसको मनन करें, यह आपके लिए बहुत आशीष और उन्नति का कारण बनाएगा। आखिरी बात, एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वचन का आप खोज करें। आप सब जवान हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन में जवानों के बारे में क्या लिखा गया है, आप खोज करें। इसलिए आप तब उसमें परमेश्वर के वचन में जाकर जवानों के बारे में क्या लिखा है करके ढूंढें, उसको खोज करें। बाइबल ले आदियामத்திலிருந்து நீங்க பார்க்கும்போது अगर आप उत्पत्ति से देखेंगे बाइबल में, बहुत जगह में जवान करके ऐसा लिखा हुआ होगा। नीति वचन के किताब में जवान बच्चे कैसे होना है, बहुत सारे वचन लिखे हैं। दूसरा, बाइबल में बहुत सारे जवानों के जीवन शैली के बारे में लिखा है।
அவைகளை படிக்கும் பொழுது நடைமுறையாய் பிராக்டிக்கலா அந்த வாலிபனுடைய வாழ்வின் வெற்றி என்ன தோல்வி என்ன, வெற்றிக்கு காரணம் என்ன தோல்வி காரணம் என்ன படித்துக் கொள்ளலாம். और उस जवान के जीवन शैली में जय और हार का कारण क्या था वो हम बाइबल से पढ़ सकते हैं। इसी को ही कहते हैं ढूंढना, खोज करना। आप किसी भी वचन को लेंगे तो उसमें शब्द होंगे, वचन होंगे, कुछ घटनाएं भी होंगी। இவைகளை ஓர்த்து படிக்கணும், ஒரு சேர்த்து படிக்கணும். இன் சப்கு ஆபஸ் மே ஜோட்கர் லிங்க் கர்கர் படனா ஹை. அது உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனத்தை கொண்டு வரும். ஔர் வோ ஆப்கே லியே பஹுத் ஹி லாப் கோ லாயேகா, ஆஷிஷ் கோ லாயேகா. பைபிள் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றவர்கள் இந்த மாதிரி சர்ச் ஆப்ஷன்ல போய் எந்த வார்த்தையை நீங்க தியானிக்க விரும்புறீங்களோ அதை போட்டா அந்த பைபிள்ல இருக்கிற அத்தனை சம்பந்தப்பட்ட வசனத்தை ஓர்த்து தந்து बाइबल सॉफ्टवेयर यूज करने वाले अगर आप सर्च करके ऑप्शन में सॉफ्टवेयर में जाएंगे जो शब्द आप सर्च करना चाहते ढूंढना चाहते हैं उसमें पूरा रेफरेंस के साथ आ जाएगा। उसके बाद हम उसको छोटे छोटे हेडिंग में रखकर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत लाभदायक होगा। நான் இங்க சமாப்த் பண்ண சாத்தா ஹூ. இந்த தேவன் தந்திருக்கிற பைபிளிலே தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. பரமேஸ்வர் ने दिए हुए संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रभु का शब्द है. அடுத்து அவர் எழுதி தந்திருக்கிற வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் அது நமக்கு சத்தியத்தை போதிக்கின்றது. और जो वचन हमारे लिखा गया है वो सच्चाई को बताता है. மூன்றாவது இவைகள் எல்லாம் சேர்த்து எழுதி தந்திருக்கிற அந்த புத்தகத்துக்கு பெயரு பைபிள். தீசரா இது பூரா லிக்கா கியா ஹை வோ பைபிள் ஹை. இந்த பைபிள்ல இருக்கிற அனைத்து காரியங்களும் தேவன் நமக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய சத்தியத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. और ये पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के अंदर एक सत्य की बातें छिपी हुई हैं. அந்த சத்தியத்தை குறிப்பிட்ட பாடங்களாக பகுத்து பகுத்து நாம் படிப்பதுதான் உபதேசங்கள் என்று சொல்லுகிறோம், டாக்ட்ரின்ஸ். ஓ சத்திய கி பாத்தோம் கோ ஹம் ஹிஸ்ஸே மே பாக் கர் கர்தே டிவைட் கர் கர் ஹம் படதே ஹை உஸ்கோ உபதேஷ் யா சிக்ஷா கஹதே ஹை. இந்த பைபிளினுடைய ஆசீர்வாதத்தை முற்றிலும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் டெய்லி பைபிள் ரீடிங் பழக்கம் நாம் தொடங்க வேண்டும். अगर इस परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त करना है तो हर दिन हमें वचन पढ़ना है। और हर दिन एक वचन को मनन करना है। और तीसरा आज हमारे परिस्थिति के अनुसार पर्टिकुलर एक विशेष रूप से एक वचन को ढूंढकर उस पे मनन करने की जरूरत है। और जवान भाई बहनों आप आने वाले साल में करने के लिए अभी से आप समर्पित करें और उसकी शुरुआत करें। उत्तम हृदय அடுத்த வருஷத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மிகவும் பிரகாசமாக்குவார், உயர்த்துவார், மேன்மைப்படுத்துவார். அகர் ஆப் இஸ்கோ இக் உத்தம் ஹிருதய சே கரேங்கே மே ஆப்கோ சுனோதி தேதா ஹூ அகலே சால் மே பரமேஸ்வர் ஆப்கோ ஆஷிஷித் கரேகா, உன்னதி தேகா, பரமேஸ்வர் ஆப்கி மஹிமா கோ படாயேகா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. பரமேஸ்வர் ஆப்கோ ஆஷிஷ் தேனே பாயே. பரலோக பிதாவே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस जवान बच्चों को इस गूगल मीट से जुड़ने के लिए आपने कृपा दिया। प्रभु आपके वचन के बारे में कुछ बातों को बताने के लिए आपने कृपा दिया। हर एक जवान बच्चे आपके वचन को पढ़ने वाले बन जाए, आपके वचन पे ध्यान करने वाले बन जाए, उसको भाग में बांटकर समझने वाले बन जाए,
இந்த வசனத்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்த வாழ்க்கை முழுவதும் ஆசீர்வாதமும் மேன்மையும் உண்டாக செய்யும். इस वचन को पढ़ते पढ़ते वो उनके जीवन में आशीष और उन्नति पाने वाले बन जाए। प्रभु जवान इस जवान इस जवान जवानों की सेवकाई और उन्नति और आशीष पाने पाए। प्रभु इस जवान की सेवकाइयों को जो आगे रहकर चला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, उनको आशीष कीजिए। प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में हम सबको समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।